गर्मियों में मैंगोज़ और घर पे पड़ी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे एक ऐसी टेस्टी रेसिपी जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इन गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा और मीठा खाने का मन करे तो आप इसको बस 15 से 20 मिनट में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ गैस की फ्लेम पे पैन गरम कर लिया है। इसमें एक छोटा चम्मच घी गरम कर लेंगे। एक कप मैंने यहाँ पे पतली वाली रोस्टेड सेवैया ली हैं। तो इन्हें पैन में डालकर हमें घी के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बस 2-3 मिनट इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और हाथों से इसको तोड़ लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक हम इसको नहीं करेंगे और भून कर हम इसको प्लेट पर निकाल लेंगे। और सेम पैन में अब हम डालेंगे 1 लीटर दूध। तो ये मैंने बॉयल किया हुआ दूध लिया है। दूध को हमें थोड़ा सा पकाना है 5 से 6 मिनट तक। तो जब दूध हल्का गाढ़ा होने लगे तो इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी की जगह पे यहाँ पे मैं धागे वाली मिश्री का यूज कर रही हूँ। तो ये करीब 150 ग्राम मिश्री डाली है मैंने। मिश्री को डालकर अच्छे से घोलने तक पका लीजिए। जब मिश्री दूध में अच्छे से घुल जाए तो इसमें हम ये भुनी हुई सेवैया डाल देंगे। सेवैयों को डालकर हमें इसको धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक पकाना है। अभी दूध को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसके साथ हमें 1/4 कप दूध डालना है। तो दूध मैंने यहाँ पे ठंडा लिया है। हमेशा कस्टर्ड पाउडर में ठंडा दूध डालकर ही खोले। गर्म दूध डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो दूध डालकर कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पैन में डालेंगे और चलाते रहेंगे। तो 3 बार में मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया है। तो कस्टर्ड पाउडर डालने से दूध काफी अच्छा गाढ़ा हो जाता है, एकदम बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो देखिए अब सेवैया भी ऑलमोस्ट पक गई हैं। अब हम इस स्टेज पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लीजिए और बस गैस की फ्लेम को बंद कर दे और इसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 बाउल में पके हुए आम लिए हैं। तो कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए छोटे छोटे पीसेस में काट के रखे हैं मैंगोज को, और जो बड़े बड़े पीसेस में मैंने मैंगो चंक्स काटे हैं उसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका पल्प तैयार कर लेंगे। तो ये एक पूरा पका हुआ बड़ा आम है जिसका हमने पल्प तैयार कर लिया है। अब इधर जो हमने सेमिया कस्टर्ड तैयार की थी इसको ठंडा होने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था 1/2 घंटे के लिए और ये एकदम चिल्ड हो गया है। अब इसमें हम ये मैंगो पल्प डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा था और इसे डालकर सेमिया कस्टर्ड के साथ अच्छे से मिला लीजिए। फिर हम इसमें कुछ मैंगो चंक्स डाल देंगे। तो 1 कप जितना मैंने इसमें आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। साथ ही में मैंने यहाँ पे कुछ रोस्टेड नट्स डाले हैं। तो ये काजू बादाम और पिस्ता को मैंने हल्का सा घी में भुनकर डाल दिया है। इसे अच्छे से मिला लीजिए और लीजिए हमारा बहुत ही डिलीशियस मैंगो डेजर्ट बनके तैयार है। इसे एकदम ठंडा ठंडा सर्व करें, किसी भी डेजर्ट कप में इसे डालें और पिस्ता से गार्निश करके सर्व करें। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये एकदम हेल्दी डेजर्ट भी है। ऊपर से थोड़े मैंगो चंक्स डाल दीजिए। आम के सीजन में इसको एक बार बनाना तो बनता है। तो आप इसे कब बना रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।